हाय गाइस, बैक टू माय चैनल। मैं आशा जानवी फैमिली ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जानवी भी अभी सो रही है और कुछ काम था तो मैं बिजी हो गई थी और थोड़ा बहुत काम था तो बाद में करूँगी। अब मैं जा रही हूँ किचन में, खाना बनाने का टाइम हो चुका है तो अभी बनाऊँगी मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी और चावल आज नहीं बनेगी और बस सलाद वगैरह रहेंगे, अब यही बनाऊंगी। और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है लग रही है तो कुछ इसलिए आज कुछ हल्का खाना बनाऊंगी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि जो है ना मुझे थोड़ा पेन हो रहा है साइड में, पेट में, तो इसी वजह से मैं देख रही हूँ। आज भर आराम हो जाएगा, सेकूँगी तो ठीक है, नहीं तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, अल्ट्रासाउंड कुछ करवाऊँगी, देखूँगी क्या हो रहा है क्या नहीं है। क्योंकि मैंने उस दिन जो है जो क्या होते पानी के बोतल होता है ना बहुत बड़ा वाले 20 लीटर की, तो उसको जो है ना मैंने उठा लिया था और बहुत भारी, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, जानवी ऑपरेशन से हुई है तो मुझे भारी चीज़ तो उठाना है ही नहीं है, तो फिर भी मैंने उठा लिया था और इसीलिए कि नस चढ़ गई है और क्या फिर कुछ सूजन हो गया है इसी वजह से कि क्या। तो देखती हूँ, सिकाई तो मैंने किया था और रात को फिर मैं करके सो जाऊँगी और कुछ क्रीम भी लगा लूँगी, अगर हो सकता है कि ठीक हो जाएगा तो मैं डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाऊँगी, तो अगर नहीं होगा तो बर्दाश्त तो जाना ही पड़ेगा। और गर्मी भी बहुत पड़ रही है और देखो निकलने का तो मन नहीं करता गर्मी में, कुछ आप सब जानते ही हो, तो फिर भी मैं देखती हूँ कि जाऊँगी। और कुछ मार्केट भी जाना था क्योंकि राधा की मैंने ड्रेसेस लाई है तो उसमें से दो तो परफेक्ट आया था और एक जो था ना वो मतलब थोड़ा बड़ा साइज आ रहा है, तो उसको मैं रिटर्न करके वापस करके चेंज करके मैं कुछ और ले लूँगी। तो देखूँ अगर जाऊँगी तो मैं आप सबके शायद ज़रूर शेयर करूँगी क्या क्या लाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी चलिए हम किचन में चलते हैं फटाफट से मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और गैस पे कढ़ाई रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है। एक चुटकी यहाँ पे हींग ऐड करूँगी, साथ ही इसकी मैं ऐड करूँगी बड़ी इलायची, इससे जो है फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छी आती है बड़ी इलायची से। तो बड़ी इलायची डाल दी है मैंने और उसी के साथ ऐड करूँगी यहाँ पे जीरा, जीरा थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ 4 से 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च से भी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, हरी मिर्च के पकाऊँगी नहीं ज़्यादा। इसी के बाद मैं 4 से 5 कटी हुई प्याज ऐड कर दिया है बारीक, इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, क्योंकि घर का पेस्ट डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, ब्राउन हो जाएगा तो ब्राउन हो गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 3 से 4 टमाटर कटी हुई ऐड कर दूँगी, साथ ही इसमें ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक, उसी के साथ हल्दी पाउडर, उसके साथ डालूँगी फिर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी, उसी के साथ फिर डाल रही हूँ धनिया पाउडर और इसी को अच्छे से भून लूँगी, ताकि भूनने पे इसकी खुशबू आती है तब समझ जाना चाहिए मसाला तैयार हो गया है। उसी के साथ ऐड करूँगी मटर उबला हुआ 1 कटोरी, इसको अच्छे से भून लूँगी, उसी के साथ 1 गिलास पानी ऐड करूँगी बड़े से और ग्रेवी बना के हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और ये अब उबल चुका है, तैयार हो गया, तो इसी के साथ पनीर ऐड कर दूँगी, पहले ही काट के मैंने फ्रिज में रख लिया था ताकि आसान रहती है। और यहाँ पे आप सब्ज़ी देख सकते हो बन गई है, थोड़ा सा और इसको पकाऊंगी, उसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा इसको गरम मसाला, क्योंकि धनिया नहीं है घर में, हमेशा होता है कभी कभी नहीं होता है तो चल जाता है, ले करके आऊँगी मैं और उससे ज़्यादा थोड़ा टेस्ट और अच्छा बन जाता है ना, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब सब्जी वाले नीचे, ऊपर मकान है तो नीचे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, इसलिए मैं जा नहीं पाती हूँ। और जो है मम्मी को लंच दे दूँगी, फिर जानवी के भी मुझे स्कूल से लेने जाना है। आज मैं आप सबको जानवी की स्कूल दिखाऊँगी कि कैसा है, बाहर से ही दिखाऊँगी, आज मैं अंदर नहीं जा पाऊँगी। तो यहाँ पे जो है सब्ज़ी थोड़ा और पकाऊँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रेवी मैं नहीं बनाऊँगी, इसको हल्का बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी की रोटी पराठा के साथ जो है ये अच्छे तरीके से ज़्यादा ना ग्रेवी हो ना ज़्यादा ये
गाढ़ी सा सब्जी हो, एकदम मीडियम में रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और सब्जी बन जाता है तो कोई टेंशन नहीं होता, अब जो है शाम तक मुझे कोई झमेला नहीं रहेगा। यहाँ पे लंच मैंने तैयार हो गया है, अब मम्मी को अब मैंने दे दिया है, अब मम्मी खाना खाएगी। उसके बाद मैं स्कूल जा रही हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो माई स्टोन पब्लिक स्कूल जाह्नवी के स्कूल आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ अब जाह्नवी को लेने, और सबकी पेरेंट्स बच्चों के लेने आ रहे हैं, छुट्टी हो गई है। और देख सकते हो मैं आज बाहर से ही दिखाऊंगी, कभी कोशिश करूँगी अंदर से दिखाने की। तब बच्चे अब आने के स्टार्ट हो गए, देख सकते हो आप, पास से और दिखाऊंगी। और बच्चे अब छुट्टी हो गए, आज 19 तारीख थी, आज से पेपर बच्चों के स्टार्ट था। और ये जाह्नवी है, जाह्नवी की फ्रेंड थी, देखो देखो जाह्नवी की, और कह रही है मम्मा मेरी फ्रेंड है, और जाह्नवी भी छुप रही थी। तो सारे बच्चे अब छुट्टी हो गई है, और मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चों की, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, भगवान उनको फर्स्ट सबके ही हैं। और देख सकते हो सबके पेरेंट्स आ रहे लेने के लिए, छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं। और जाह्नवी अब घर पे आ चुकी है, इसको मैं अब ड्रेस निकालूंगी, खाना खिलाऊंगी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।